हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम का लाइट सो ये है फॉर एक्सपायर का बेस वेरिएंट फॉर्ड एक्सपायर गाइज आपको बहुत ही एक्सिलेंट बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है यहाँ पे राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट दी गई है एक्सलेंट आपको ड्राइवेबिलिटी मिलती है सो so, ये बेस वेरियंट में काफ़ी सारे यहाँ फीचर्स अवेलेबल है हम इसका डिटेल वॉक वॉक्राउंड रिव्यू शेयर करने वाले ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे एंड जो बाकी इसके राइवल वहीकल है उनका ऑन रोड प्राइस कम्पेरिजन भी करेंगे ताकि आप

यहाँ पे आपको थ्री इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है ऑल्सो एवरेज मंथली एस्पायर की एवरेज मंथलीफ्टी यूनिट्स करंटली एंड स्ट्रेट ऑफ फ्रंट यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल है इसी के साथ यहाँ पे टू वाइपर वॉशर आपको मिल जाती है एंड यहाँ पे सिल्वर एक्सेंज दिए गए ऑन द फ्रंट ग्रिल ऑलसो यहाँ पे सी शेप्ड आपको हाउसिंग मिलेगी फॉर द फॉग लैम्प और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन बिटवीन ऑल द कॉम्पैक्टैंड सो यहाँ पे डायमेंशन कंपैरिजन साथ में स्पायर की ग्राउंड क्लियरेंस है वन सेवेंटी फोर एम एम टर्निंग रेडियस फोर पॉइंट नाइन मीटर्स फील्डिंग कपेसिटी पेट्रोल में आपको मिलेगी फोर्टी टू लीटर्स डीजल में फोर्टी लीटर वुड स्पेस थ्री फिफ्टी नाइन लीटर्स एंड वेट है वन जीरो वन सिक्स के जी से लेके वन जीरो सिक्स थ्री के जी और यहाँ पे स्टील व्हील अवेलेबल है विद मल्टी स्पोक सिल्वर कलर व्हील कवर सो so, 14 इंचज़ के व्हील कवर्स आपको मिल जाएंगे गाइस यहाँ पे 175 सेवेंटी फाइव बाई सिक्सटी फाइव सेक्शन टायर्स अवेलेबल है फ्रंट फेंडर पर टर्न इंडिकेटर ब्लैक कलर के विंग मिरर ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स बिग साइज़ आपको विंडोज़ मिलती है साथ में यहाँ पे रूफ पे एंटेनर अवेलेबल नहीं है आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं विद इन्फोटेनमेंट सिस्टम रियर विंड स्क्रीन भी आपको काफ़ी बिग साइज़ की मिलेगी फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स दी गई है रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है एंड फर्दर मोर एस्पायर का जो आपको सस्पेंशन सेटअप मिलता है दैट इज़ वेरी वेल ट्यून्ड आपको बहुत ही बैलेंस्ड एंड प्लांटेड राइड क्वालिटी ऑफर करता है हाई स्पीड्स पर भी एंड बम्पी रोड्स पर भी सो so यहाँ पे रियर में आपको एस्पायर की बैजिंग मिल जाएगी साथ में सिल्वर कलर एपली टी डी सी आई की बैजिंग नॉर्मल आपको कन्वेंशनल टेल नाम मिलते हैं यहाँ पे फोर सेंसर्स साथ में लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको हेलोजन में मिलेगी एंड लोअर एंड बम्पर पर यहाँ पे ब्लैक फिनिश भी देगी एज यू कैन सी और अगर हमें यहाँ पे बूट को ओपन करना है तो यहाँ पे आपको की इंसर्ट करके आप ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये स्विच आप प्रेस करेंगे तो भी टेलगेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इंटीरियर जो टेलगेट गेट लेट दिया गया वो आपको अनकवर्ड मिलता है सेगमेंट में सभी कार्स आपको अनकवर्ड ही ऑफर कर दी है और ये टोटल कारगो एरिया ऑफ थ्री फिफ्टी नाइन लीटर्स यहाँ पर लगेज लैम्प नहीं दिया गया ऑल दो बहुत ही वेल शेप आपको बूट मिलेगा एंड काफी बढ़िया ये स्पेस भी ऑफर करता है दिस इज दर टायर ऑफ फुल साइज सो फोर्टी इंचेज करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फाइव कलर की चॉइस मिल जाती है विच इज वाइट गोल्ड रूबी रेड मोन डर स्मोक ग्रे एंड डायमंड व्हाइट कलर और एस्पायर बेस एमबीएनते मॉडल में जो आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सो दीज आर द सेफ्टी फीचर्स काफ़ी डिसेंट आपको यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और एस्पायर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फोर्ट के चेन्नई प्लांट में एंड गाइज अब ओपन करते हैं बुलेट को बात करते हैं इंजन ऑप्शन कंपैरिजन के बारे में

ये जनरेट करता है नाइन्टी फाइव बी एच पे आपको फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा जिसकी माइलेज है एटीन पॉइंट फाइव के एम पी एल और सेकंड इंजन है वन पॉइंट फाइव लीटर टी डी सी आई फोर सिलेंडर डीजल इंजन ये जनरेट करता है नाइनटी नाइन बी एच की यहाँ पे आपको फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा और इसकी माइलेज है बहुत ही बढ़िया ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर के एम पी एल

और सेंटर में यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश पैटर्न भी आपको मिल जाता है हाइट एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है फॉर द ड्राइवर साइड सीट एंड यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं गाइज लेट आपको क्लच फूटर्स नहीं मिलता डेडिकेटेड बट कुछ स्पेस दी गई है टू तो कीप योर फीट इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है हैडलैम्प कंट्रोल्स और साथ में ये है लेवलर हैडलैम्प इज़ वेरी क्लेवरली प्लेस्ड एंड गाइस ये है फॉग लैम्प कंट्रोल्स इसी के साथ यहाँ से अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो जो टेल गेट है वो ओपन हो जाता है एंड अगर टेल गेट ओपन होगा तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा जैसे कि बूट ओपन कोई भी ड्राइवर डोर ओपन होता है तो वो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे ड्राइवर डोर ओपन है विच इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट और ये है इस फ्रंट डोर के लुक यहाँ पे आपको दो बिग साइज़ के बॉटल होल्डर मिल जाते हैं एंड यहाँ पे डोर पॉकेट अवेलेबल है और यहाँ पे आपको स्पीकर मिला इस इन साइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का दिया गया है एंड विंग विंडोज़ को हमें एडजस्ट करना है तो कुछ ऐसे ही आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा मैनुअली एडजस्टेबल एंड यहाँ पे जो आपको पावर विंडोज़ मिलती है दे आर नॉट एल्यूमिनेटेड और पे पावर विंडो ऑटो अप एंड डाउन मिलती है ऑटो अप दी गई है विद एंटी पिंच फंक्शन और पे फ्रंट में टू पावर विंडोज अवेलेबल है रियर में आपको नहीं मिलती रियर में आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एट ओनली अब पे फैब्रिक फिनिश नहीं मिलती इस मॉडल में नॉर्मल यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है एंड यहाँ पे भी कुछ आपको हिडन स्टोरेज एरिया मिल जाएगा सो लेट्स गेट इन साइड राइट अवे इसको भी क्लोज कर देते हैं एंड गाइस जब हम कार को यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें बहुत ही क्लियर व्यू मिल जाता है इसी के साथ यहाँ पे बोनेट विजिबल नहीं रहता रियर व्यू मिरर से आप व्यू देख सकते हैं काफी क्लियर है एंड जो विंग मिरर्स है वो भी काफी बढ़िया व्यू ऑफर करते हैं सो so, ये है स्टेयरिंग व्हील के लुक यहाँ पे आपको स्टेरिंग व्हील पे कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे बट एडजस्टमेंट दी गई है सो so, यहाँ पे टेल्थ एडजस्टमेंट अवेलेबल है सो दीज आर वाइपर कंट्रोल्स so, एंड गाइज यहाँ पे so, controls, guys, आपको इंडिकेटर कंट्रोल्स मिलते हैं जो यहाँ पे ट्रिप दिया गया दैट एम आई डी तो आप देख सकते हैं एम आई डी यहाँ से आप उसकी जो डिटेल्स है वो चेंज कर सकते हैं सो so, ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं सिक्स थाउजेंड आर पी एम विच मीन इट्स टीजल मोटर एंड यहाँ पे सेंटर में एम आई डी स्क्रीन देखी है गैस सो so, ये शो करती है कोई डोर ओपन है साथ में टेपरेचर गेज आउटसाइड टेम्परेचर एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और यहाँ पर आवर कितने लीटर फ्यूल कंज्यूम हुआ यानी कि लीटर्स पर आवर तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है देन यहाँ पे एवरेज स्पीड आपको मिल जाती है किलोमीटर्स पर आवर और गैज यहाँ पे आपको ऑयल का रिमाइंडर भी मिलेगा तो यहाँ से आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं देन यहाँ पे टाइम डिस्प्ले होता है टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन एंड ट्रिप मीटर डिस्टेंस टू एम टी एंड यहाँ पे दोबारा माइलेज सो एम आई डी इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव जो भी मच रिक्वाइड इन्फॉर्मेशन है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इसी के साथ गाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वैराटी मिररर नहीं दिया गया बट आपको टॉल सीट होल्डर मिल जाता है यहाँ पे नॉर्मल डे एंड नाइट आई आर वी एम अवेलेबल है और यहाँ पर गाइज आपको मिलता है कैबिलच इज़ सुपर ब्राइट और इधर एक वराइटी मिरर दिया गया सो so, यहाँ पे आप सेंटर में देखेंगे तो आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है लेकिन गाइस आप एंड्रॉड सिस्टम बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं फिफ्टी थाउजेंड में एंड गाइस गाइज सिस्टम की वीडियोस काफ़ी सारी ऑलरेडी चैनल पर पोस्टेड है अदर कार्स में वो इंस्टॉल हुआ है यूनिवर्सल सिस्टम है किसी भी कार में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं तो आप, आप जी मेल यूज कर सकते हैं किसी को कॉल करना चाहें उस सिस्टम से आप कॉल कर सकते हैं नेटफ्लिक्स हॉट स्टार सारे यहाँ एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आपको ऐप्स मिलती है वो सारी ऐप्स मिल जाती है तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं यहाँ पे एट अ कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड ओनली और यहाँ पे मैनुअल एसी अवेलेबल है गाइस और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज एरिया मिलता है तो यहाँ पे आप जस्ट अपना जो स्मार्टफोन है वो आप प्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड दिस इज द गियर बॉक्स ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे गियर नॉप पे मिलेगी और यहाँ पे भी मल्टीपल स्टोरेज एरियाज अवेलेबल है फ्रेंट में आपको आमरेस्ट मिलती है आमरेस्ट आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रॉम सिक्स टू सेवन हंड्रेड और यहाँ पे देखेंगे तो आपको बिग साइज का गेन ग्लब बॉक्स मिल जाता है एंड आप चेक करते हैं रियो सीट्स रियर डोर की लुक आप देख सकते हैं बिग साइज का विंडो अवेलेबल है देन आपको यहाँ पे आमरेस मिल जाती है रियर में पावर विंडो बाद में इंस्टॉल हो जाएगी इन साइड हैंडल ब्लैक कलर का रियर में गाइड सरप्राइजिंग आपको स्पीकर मिल जाते बट बॉटल होल्डर नहीं दी गई फ्रंट डोर्स पे आपको ट्वेंट बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाता है तो वहाँ पे कॉम्पन्ट करा गया और यहाँ पे आप ऐसे कुछ पावर विंडोज ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं यहीं तक मैक्सिमम ये ओपन होती है मतलब इससे नीचे नहीं जाएगी एंड दीज आर द रियर सीट्स सो यहाँ पे आपको टू एडजस्टेबल हेड्रेस मिल जाती है गाइस बट आमरेस नहीं दी गई किसी भी मॉडल में आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं फिफ्टी फाइव हंड्रेड ओनली और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक न्यूज़पेपर पॉकेट मिल जाती है इवन इधर भी आपको मैगजीन न्यूज पेपर पॉकेट मिलेगी और यह है डैशबोर्ड की लुक यहाँ पे एक ग्रैब हेंड अवेलेबल है विद कोट हैंगर सेम गोज विथ हेयर सो काफी सफिशेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स आपको इस मॉडल में मिल जाते हैं एंड वट आर योर थॉट्स अबाउट दिस वेरियंट सो आपकी फेवरेट कॉम्पैक्ट है एंड कौन सी है एंड उसका रीजन क्या है जरूर बताया कमेंट सेक्शन में वी विल वेटिंग फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेलन जरूर प्रेस कर दें